अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बनाऊंगी दही चिकन, जिसके लिए मेरे पास एक कप दही है और ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। और इसमें मसाले जाएंगे, ये मेरे पास 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च है, 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है और 1/4 टीस्पून ही मेरे पास काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है और ये 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, 1/2 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। तो ये सारे मसाले पहले इसमें जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करते हैं मसालों को और इसमें चिकन हम मैरिनेट करेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। चिकन डाल दें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चलें ये देखें, चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए। तो बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 2 टमाटरों को मैंने ब्लेंड किया है और 2 मीडियम प्याज थे, उनको भी मैंने इस तरह देखने ब्लेंडर में ब्लेंड किया है। और ये 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई हरी वाली मिर्चें हैं और ये साबुत गरम मसाले में मेरे पास 2 इलायची हैं, 3 अदद मेरे पास 3-4 लौंग है, 4-5 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची हैं और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। और इसमें लास्ट में जाएगा धनिया, हरी मिर्चें और ये कसूरी मेथी है और 1 कप ऑयल जाएगा इसमें। तो 1 कप ऑयल जाएगा इसमें। साबुत वाला गरम मसाला जाएगा। साथ प्याज जाएगी, प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन खत्म हो, हल्का सा ये गोल्डन होगा। तो फिर वापस में जाएंगे मसाले, अदरक लहसुन और टमाटर वगैरह। प्याज के गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्लीज़ नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नए आने वाले। प्याज हो चुका है, अभी इसमें मैं अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया मैंने। इसी के साथ टमाटर भी जाएंगे पिसे हुए, मैंने ब्लेंड करके रखे हैं टमाटर। सारे मसालों को, प्याज टमाटर और ये अदरक लहसुन हरी मिर्चें वगैरह, अच्छा सा हम इनको पहले फ्राई करेंगे, तो कच्चापन ख़त्म हो, अच्छा सा ये फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएगा, तो इसमें फिर चिकन जाएगी। चलें अभी थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखते हैं, जब तक ये टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखें, प्याज टमाटर और इसका पानी ड्राई हो चुका है और अलग हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 घंटे से जो मैरिनेट चिकन थी वो मैं इसमें डालूँगी।
काला मसाला इसमें अच्छे से डाल दें आप। इसको मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करें इसको और थोड़ा सा पानी, ये देखिए इसी बॉल में हल्का सा पानी डाल के, इसमें दही था सारा, इसमें आधा कप तकरीबन मैं डाल रही हूँ। इसको हल्का सा मिक्स करके आप इसको तो मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी। बाद में इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। सारे मसाले इस तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करते हैं, ताकि चिकन भी गल जाएगा और ये अच्छी तरह इसमें मसाले भी आ जाएंगे सारे और ये फ्राई भी हो जाएगा। चलें ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। इसका देखें ऑयल भी अलग हो चुका है। अभी 5 से 8 मिनट के लिए मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी, ताकि मसाला अच्छा सा फ्राई हो जाए। अभी उसी टाइम मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी जाएगी थोड़ी सी इसमें। चलें ये देखें फ्राई हो चुका है मसाला। आप देखें ये इसका ऑयल देखें बिल्कुल अलग हो चुका है और इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छा से फ्राई हो चुका है। अभी इस पर मैं डालूँगी हरी मिर्चें, धनिया, बहुत टेस्टी ये सालन बनता है दही चिकन का। इसको आप नान के साथ, घर की रोटी, फुलका, किसी भी रोटी के साथ आप सर्व करें, बहुत मज़े का है ये। तो चलें ये रेसिपी हमारी तैयार है। इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ और फिर डिश आउट करती हूँ। 5 मिनट के रखते हैं इसको दम पे। नहीं देखिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था, अभी मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। दही चिकन तैयार है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलें मिलते हैं अगली रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।